Hi everyone, my name is Ritoj, your mathematics educator on Sijan. So today we are going to start our first chapter of our mathematics, which is logarithm. Okay, so let's start it now. Firstly, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें या कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा इस चैप्टर के बारे में. चलिए एक स्टोरी सुनते हैं सबसे पहले. ओके, सो बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले, एक बच्चा हुआ करता था जिसका नाम होता था जॉन नेपियर. उस जॉन नेपियर का नेचर घर में बहुत शरारती था, मतलब घर में बहुत शरारत करता था. लेकिन जब वो बाहर जाता था तो वो एकदम बिल्कुल शांत हो जाता था, इंट्रोवर्ट टाइप का, कुछ नहीं बोलता था किसी से, है ना. बिल्कुल रिलेटिव्स के यहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है तो किसी के सामने कुछ नहीं बोलता था, बिल्कुल शांत सीधा साए बच्चा हो जाता था. कुछ उससे मतलब नहीं, लेकिन घर में बहुत शरारतें करता था. ओके, तो धीरे धीरे जॉन नेपियर बड़ा हुआ, उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया. शुरुआत में उसकी किंडरगार्टन वाली क्लासेस होती ना, LKG और UKG, वो वाली क्लासों में उसका एडमिशन हो गया. ओके सर, है ना. फिर जब वो LKG और UKG में पढ़ रहा था, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक तो उसको अल्फ़ाबेट सिखाए गए, लेटर्स सिखाए गए, एंड देन उसको ओलम सिखाई गई, जो हिंदी में होती है ओलम, है ना, और बहुत सारी चीज़ें उसको सिखा दी गई. ओके, तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जब वो फर्स्ट क्लास में पहुंचता है बेटा, जब वो पहुंचता है फर्स्ट क्लास में, तो उसके टीचर्स उसको सिखाना शुरू कर देते एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीज़न. ओके, तो उसने एडिशन सीख रहा था तो बहुत इंजॉय कर रहा था, कह रहा एडिशन बहुत आसान है, चुटकियों में कर देता हूँ मैं, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, है ना. कभी कभी गलती भी कर देता था, है ना. तो फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्शन सिखाए गए, फिर उन्होंने टीचरों ने उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के सवाल एक साथ दिए, तब भी उसने किया, उसके एग्ज़ाम हुए, उसने बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके, ठीक है. फिर सेकेंड सेमेस्टर में उसको जब मल्टीप्लिकेशन सिखाने लगे तो टीचर थे उसके थोड़े मतलब स्टिक टाइप के, थोड़ा टाइम पास करने वाले. तो टीचर सबसे पहले तो उन्होंने बताया, बेटा 2 × 3 = 6 होता है, और 8 × 9 = 72 होता है, है ना, और 13 × 11 143 होता है, ठीक है. ऐसे बताने लगे बच्चों. बट जब एग्ज़ाम में उन बच्चों को क्वेश्चन दे दिए कि ये 15 डिजिट का नंबर, एक 2 3 3 3 3 3 ऐसे 15 डिजिट का, इससे उन्हें मल्टीप्लाई करना कितने का, 9 9 9, 14 डिजिट का नंबर, ठीक है. अब बच्चे तो ऑब्वियसली सारे फेल होने हैं, ठीक है. तुमने बताया कुछ और है, पेपर में कुछ और आ रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चे फेल हो गए. तो इस बात के लिए जॉन नेपियर को बहुत बेकार लगा, उसने कहा ओ माय गॉड, आई गॉट फेल इन जस्ट फर्स्ट क्लास. ओके, तो जब वो घर पर आया, अब घर पर तो उसका शरारती वाला भूत जाग चुका था, उसने कहा था चलो शरारत फिर से करते हैं. तो उसने ये नहीं कहा कि मैं अब मैं पढ़ाई करूँगा अच्छे से, उसके दिमाग में एक कीड़ा था, वो ये कहता था कि अब मैं इस मल्टीप्लिकेशन को कुछ इस तरीके से करूँगा, कुछ इस तरीके से करूँगा कि ये सिंपल हो जाए, काफ़ी चुटकियों में होने लगी ये मल्टीप्लिकेशन, 15, 17, 20, 1000 डिजिट का भी हो तब भी सिंपल होने लगे, ठीक है. तो दूसरे दिन आता है, वो अपने दोस्त को बताता है, कैन बी डू एनी थिंग, एनी ट्रिक, यू हैव यू एनी ट्रिक टू सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन वेरी इजली. तो उसके दोस्त ने कहा ऐसा कुछ भी बात नहीं है. घर पर गया, तो घर पर जब वो पहुंचता है तो उसको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है. ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, जब वो इस चीज़ को ढूंढता है, ठीक है. तो दूसरे दिन आके वो बताता है अपने दोस्त को कि आई फाउंड द वे, आई फाउंड द ट्रिक जिससे हम इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो उसने इसका बेसिक आइडिया दिया अपने दोस्त को, उसने कहा इस मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन की फॉर्म में करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा. कहते क्या कह रहे हो, कि इस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन की फॉर्म में करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा. दोस्त ने कहा नंबर वन बुलसिट का है, नो सेंस इन दिस, कोई बात, कोई सेंस नहीं बन रहा इस बात का. तो उसने कहा चलो मैं करके दिखाता हूँ. ओके, देन ही इन्वेंटेड द टर्म लॉगरिथम. अब बहुत बातें कर ली अपने ने, अब नॉर्मल चैप्टर पर आ जाते हैं, ठीक है. तो उसने ये लॉगरिथम दिखाया
उससे क्या किया जा सकता है कि इसके बहुत सारे फीचर हैं, लॉगरिथम का कहाँ कहाँ यूज होता है वो आप चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लॉगरिथम आप फिजिक्स में भी इसको यूज करेंगे, केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे, मैथ में भी यूज करेंगे, है ना। और इसके क्वेश्चंस भी आए हैं जेईई मेंस और एडवांस में, है ना। ये एम फॉर मेंस मान लो और ये ए फॉर एडवांस मान लो, ठीक है। और लॉगरिथम चैप्टर, अब आ जाओ चैप्टर पे, जो नॉर्मल अपना चैप्टर है जो हमने पढ़ने वाले हैं। ओके, एक चीज़ और ऐसे और कराऊंगा आपको कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यू कैन डू एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप इसका बेसिक सीख जाते हैं, अभी एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा वो बेसिक, आपको और टाइम लगाएगा बेसिक सीखने में। तो अगर आप इसका बेसिक सीख जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन बिना किसी प्रैक्टिस के, सॉरी थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी पैनिक कंडीशन के आप आराम से कर लेते हैं। तो इसके बेसिक पे मैं थोड़ा जोर दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द चैप्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं पहली लाइन में लिखा है कि लॉग ए बेस में एक्स। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले इसको पढ़ेंगे हम लॉग एक्स टू द बेस ए, टू द बेस ए, इसको हम पढ़ेंगे इस चीज़ को ऐसे, ठीक है। एक बार मेरे साथ बोलो कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लॉग एक्स टू द बेस ए, कैसे पढ़ेंगे, लॉग एक्स टू द बेस ए। बोल नहीं रहे हो तुम लोग, यार बोलो ना, लॉग एक्स टू द बेस ए, ठीक है। तो ऐसे हम इसको चीज़ को पढ़ेंगे। ओके, अब इस का मतलब क्या है, इस पहली लाइन का मतलब क्या है? पहली लाइन में क्या लिख रखा है बच्चों? पहली लाइन में लिख रखा है कि लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या है, ठीक है? इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये सोचना कि इसमें क्वेश्चन भी किस टाइप के आते हैं वो भी बताऊंगा, कि अगर हम ए की पावर एन कर दें तो हमें एक्स मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम बेस की पावर एन कर दें, बेस की पावर जो आपका आंसर आ रहा है वो नंबर कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा एक्स। चलो इसको थोड़ा सिंपल बना के बताते हैं, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड वाला बताएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बताया जा रहा है कि ये लॉग, सॉरी लेट मी रीड इट फर्स्ट, लॉग, जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है कि लॉग, इसको बिगाड़ दो ये कुछ नहीं है, ठीक है। लॉग यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसका आपका आंसर कैसे निकलेगा? हमें बस ये देखना है, हमें क्या देखना है कि जो आपका बेस है, बेस के ऊपर आप कितनी पावर लगा दें, कितनी पावर लगा दें जो आपका नंबर आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ बताना मैं भूल गया शायद, या बता दिया है, मेरे को आइडिया नहीं, तब भी मैं बता देता हूँ दोबारा, कि ये जो नीचे वाला टर्म होता है, नीचे वाला, इसको हम बेस कहते हैं, है ना। ये वाला टर्म होता है इसको हम नंबर कहते हैं, और ये तो अपना लॉग होता ही है। इसको आप एक बार देख लो ध्यान से, मैं अरेंज कर देता हूँ, कि ये नीचे वाला टर्म है जो ए है वो अपना बेस होगा, ये वाला टर्म वो नंबर होगा, और ये होगा अपना लॉग, ठीक है। इसको हम लॉगरिथम बोलेंगे। ओके, तो इसको हम कह रहे हैं लॉग एक्स या लॉग नंबर टू द बेस ए, ठीक है। ओके, तो अब आगे आ जाओ, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? ये बेस टू द पावर पी इक्वल टू नंबर। ओके, तो इसमें ये 2 है ना, ये बेस की जगह है, तो 2 के ऊपर कितनी पावर चढ़ा दो, टू के ऊपर कितनी पावर चढ़ा दो कि तुम्हें एक नंबर मिल जाए। तो ऑब्वियसली 2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब तो ये है ना, 2 को आप कितनी बार लगातार मल्टीप्लाई करते रहो खुद से कि आपको 8 मिल जाए। तो 2 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बन जा 2, सॉरी 2 टू जा 4, 2 जा 8, अगर आप 2 की पावर 3 कर दो तो आपको 8 मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 3। एक और क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको मिलता है यहाँ पे 381, तो कहने का मतलब क्या है कि आप 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो,
जो आपको 81 मिल जाए। कहने का मतलब 3 के ऊपर कितनी पावर हो, 3 के ऊपर कितनी पावर हो जो आपको 81 मिल जाए। सेम ही चीज़ है ना ये दोनों। देखो ना, 3 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो जो आपको 81 मिल जाए, या 3 के ऊपर कितनी पावर हो जो आपको 81 मिल जाए। हमें बेसिकली इधर नंबर ऑफ टाइम्स निकालने, इधर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और वही आपको आंसर होगा। ठीक है, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, तो बेस की पावर 4 = 81, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लॉग, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 16, तो 4 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो कि आपको 16 मिल जाए। तो ऑब्वियसली 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 4 = 20 हो जाएगा, या आप 4 के ऊपर कितनी पावर चढ़ा दो जो आपको 16 मिल जाए। ठीक है, तो ये 16 को आप 4² भी लिख सकते हो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई ना। समझ आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, एक दो क्वेश्चन और कर लो। देखो 21 21 ले लो, या 4 41 ले लो। ठीक है, तो 21, ये 21 है, इसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 21 के ऊपर कितनी पावर चढ़ा दो जो आपको 441 मिल जाए। ठीक है, तो 21 को हम पहले बार 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, 1 बन जा 1, 1 2 जा 2, 2 बन जा 1, सॉरी 2 बन जा 2, और 2 2 जा 4, तो आपका आंसर कितना आ गया, 441। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको 2 ही बार तो मल्टीप्लाई करना ना करना पड़ा, मतलब 21 की पावर 2 = क्या होगा, 441 ना, तो 21 की पावर 2 = क्या होगा, 441। सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बच्चे कह रहे सर मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, बच्चे को इतनी जल्दी समझ नहीं आता है, जब आप बड़े हो जाओगे तो सब समझने लगोगे। ठीक है, अब 3 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई, बेस को देखना होता मुन्ना, मैं 50 बार कह चुका हूँ, बेस को देखना है। बेस की पावर p = आपको सामने वाला नंबर लाना है। ठीक है, ठीक है, तो 3 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो जो आपका 243 आ जाए, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, 3 की पावर x = 243। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम देखते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 सॉरी 81 3 जा 243। वी गॉट इट, 3 raised to power 5 क्या होगा अपना, 243। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो गया मुन्ना, 5। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। चलो आप कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो अपनी कॉपी में दिए गए हैं। ओके, देखो पैनिक नहीं होना, कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में बिना सोचे समझे बता देना। ठीक है, कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, बस ये चीज़ ध्यान से सुन लेना, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती हम फिर से ये समझा देंगे, अभी ये बेसिक ही है, तो बेसिक अगर आप समझ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी आगे आपके लिए। ओके, उसके बाद अब आते हैं अपने चैप्टर पर। तो ये लॉग ए बेस टू द एक्स इजकल टू एन, तो हम कह सकते हैं कि बेस की पावर एन कर दें एन, तो हमें एक्स मिल जाएगा। हम वैसे ही तो करते थे, जैसे अपने ये हो गए लॉग 2 की पावर 3, तो सॉरी 2 की पावर 8, तो यहाँ 3 आता था तो 2 की पावर 3 करते थे, तभी तो 8 आता था ना। तो बेस की पावर एन कर दिए तभी तो एक्स मिलेगा ना। अरे यार, तुम सिमिलरिटी देखो ना, मतलब ये एनालॉगस रिलेशन बन रहा है इन दोनों में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ए की पावर एन इजकल टू एक्स, ठीक है, बेस की पावर एन इजकल टू एक्स, समझ आ गया होगा ऑब्वियसली। अगर नहीं समझ आया तो एक बार जल्दी से बता देता हूँ, कि जैसे आप होता था ना लॉग 2 8 यहाँ होता था और यहाँ 3 होता था, तो 2 की पावर 3 = 8 होता था, वैसे ही यहाँ पर है, ये एक्स है और ये एन है, तो ए की पावर एन इजकल टू एक्स होगा ना। ठीक है, तभी तो अपना आंसर कैसे आता था, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे जो तो मैं 8 आ जाए, है ना, तो 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 = 8 आएगा, है ना। ए को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे जो एक्स आएगा, तो ए को हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एक्स मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ओके, तो अब बात आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, ओके, सो सिमिलर ये भी चीज़ है कि लॉग ए वी, यहाँ पी लिखा हुआ है,
तो इसको आपको इधर साइड ले जाना है, इसकी पावर बनानी है, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ए की पावर पी इजक्वल टू बी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो सिमिलर यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया, उसके ऊपर तक का है ना। अब आते थोड़ा नीचे, ठीक है, ओके। ओके वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, तो इसके बाद हमें एक चीज़ और नोट देख लेनी है कि ये एग्जांपल, इसकी ये जो एग्जांपल है उसको देख लेना है कि लॉग थ्री की लॉग थ्री और 18, तो यहाँ पर लॉग 81 की बेस 3, इसका आंसर क्या होगा। तो 3 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो जो आपको 81 मिल जाए, ऑब्वियसली 3 को हम कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 4 times, है ना। तो 3 की पावर 4 होता है ना, इक्वल टू 81, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 4, ठीक है। तो सिमिलर कोई दिक्कत नहीं है, तो log 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, ठीक है, ये मैंने लिख भी रखा है। log 2 की पावर 4, log 16 टू द बेस 2, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, log 16 टू द बेस 2, ठीक है। तो इसको हमें कैसे करना है, तो 2 के लिए 2 की कितनी पावर हो जाए जो हमें 16 मिल जाए, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 2 2 4 2 8 2 16, 2 की पावर 4 हो तब हमें मिलती है 16, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया मुन्ना, जोर से बोलो, जय माता दी, नहीं एक्स की पावर 4, ठीक है। अब बात आते हैं कुछ आगे, हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ठीक है, कोई जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए, ठीक है। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन जो कि आपको बेटा करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं हम लोग सबसे पहले। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है अपने को, क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि log 25 टू द बेस 5 का आंसर क्या होगा। ओके, तो इसको हम नए पेज से करते हैं, ठीक है, log 25 टू द बेस 5, ओके। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा कि 5 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़े या 5 की कितनी पावर हो जो आपको 25 मिल जाए। तो ऑब्वियसली 5 5 जो 25, तो 5 की पावर 2 होगी, 5 की पावर 2 होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 2, ओके, समझ आ गया, अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे आप और भी क्वेश्चन करेंगे जिससे ये कंसेप्ट, इससे बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि log, ये मार्कर थोड़ा मोटा हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन हम इतना देख लेते हैं कि log 16 log 256 log 256 टू द बेस 16। तो 16 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे जो आपको 256 मिल जाए, तो 16 into 16 क्या हो जाए, 256, तो 16 की पावर 2 इजक्वल टू 256 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2, ठीक है, इसका आंसर भी क्या हो गया था, 2, ओके। अब इसमें देखते हैं log 4 log 256 टू द बेस 4, ओके, जैसे पहले ये इरेज कर देते हैं थोड़ा। तो log 256 टू द बेस 4, इसका मतलब क्या है कि बेस की जगह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो बेस को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा जो आपको 256 मिल जाएगा। तो 4 4 जा क्या हो गया, 16, 4 जा 64 4 जा 256, ओके, आई गॉट द सॉल्यूशन, 4 raised to power 4, तो ये 4 क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 4, ठीक है बेटा, 4 आपको आंसर मिल गया। अब आते हैं इसके 81 पे, सिंपल सी बात है कि 81 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 81 की कितनी पावर होगी जो आपको आंसर 9 मिल जाए, ठीक है, ये तो बात है। अब 81 बन जाए 81 है जा, तो ऑब्वियसली 9 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस तरीके से देखना होगा 81 के ऊपर कितनी पावर लगा दें जो हमें 9 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, क्लास 10th में भी बहुत सवाल सीख के आए हैं कि 81 की पावर, 81 का रूट होता है 9, ठीक है, 81 का रूट होता है मतलब 81 की पावर हाफ, 81 की पावर हाफ क्या होगा, आपका आंसर होगा 9, तो इसका आंसर क्या हो गया, हाफ, तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, हाफ, ठीक है, सिंपल सी बात है।
अब बात आते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर ई कहता है सर कि लॉग 8 to the base 2, तो 2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो जो आपको 8 मिल जाए, तो 2 into 2 4 हो गया, 2 into 4 into 2 8 हो गया, तो आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा? 3 बार, तो 2 की पावर 3 = 8 और आपको आंसर कितना आ गया इसका? 3। ओके, सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। अब आ जाते हैं मुन्ना बिना कोई टेंशन के, टेंशन तो बहुत है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन अभी ख़त्म हो जाएगी। तो 4 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो जो 8 आ जाए, यानी कि 4 के ऊपर आपकी कितनी पावर हो जो 8 आ जाए आपको पास। ठीक है, तो 4 into 4 16, ऑब्वियसली 8 से बहुत ज़्यादा हो गया, फिर क्या करो ये वाला तरीका देखो। ठीक है, इसमें हम थोड़ा आप दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, कुछ ऐसा वो नहीं। ठीक है, तो 4 की पावर x = 8 लिखा है ना बेटा, बोलो। हाँ, बोलते ही नहीं है। 2 की पावर 2 x = 8 लिख सकते इसको? नहीं लिख सकते क्या? अरे यार खुद दिमाग सोचो ना, इस 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 ही तो लिखा है ना, यहाँ बता ही नहीं रहे हैं। 4 को हमें क्या लिखना चाहिए? 2 की पावर 2। इस 4 को हमें 2 की पावर 2 ही तो लिखा है ना यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2x = 2 की पावर 3। ठीक है, ये भी तो 2 की पावर 3 है ना, 8। अब 2x की वैल्यू कितनी आओगी? 3, है ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 2x की वैल्यू कितनी आ गई मुन्ना? सब कुछ बताना पड़ता, तुमको समझते नहीं खुदी। x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू तो निकाल लेना हो, मैं ऑब्वियसली x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3/2। ओके सर, 3/2 होगी। वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी इरेज इट। x की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2, तो इसका आंसर क्या होगा? 3/2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जी पर। क्वेश्चन नंबर जी क्या बोलता है? लॉग 10 की पावर p, तो 10 को आपको कितनी बार, 10 की कौन कितनी पावर बना दें हम, है ना, जो आपको 10 की पावर p मिल जाए, मतलब इस 10 के ऊपर कितनी पावर लगा दें हम जो आपको 10 की पावर p मिल जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको x की वैल्यू p मिल जाएगी यहाँ से, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया मुन्ना? बोलते नहीं यार तुम लोग, बदतमीजी करने लगे हो आजकल, सर आज ही तो मिले। अच्छा ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू p। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एच वाला क्वेश्चन ही सर, log 20 ये 400 की पावर l, इसको करके बताओ तब मैं जानूँ। अरे बेटा क्या बात कर रहे हो, ये चुटकियों वाले सवाल हैं, अभी देखना आप भी चुटकियों में करोगे। ये सर चुटकियों में, तो प्लीज़ सिखा दो हमको। ठीक है कोई बात नहीं, 20 की पावर x, बेस की पावर x करते हैं, 400 की पावर l लिख देते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम इस लाइन में? हमें बेस की पावर x किया और ये नंबर यहाँ लिख दिया, नंबर की जगह तो 400 की पावर l है ना पूरा, समझ ही नहीं रहे। ठीक है, नया से बात कर रहे हैं, कौन नया, मुझे क्या पता। 20 की पावर, एक तो ये बाहर नीचे आ जाता, मुझे बहुत इरिटेशन होती है इससे। 20 की पावर x = क्या हो गया? अगर इसको 400 को हम अंदर से लिख सकते हैं 20 की पावर 2, है ना, 20 की पावर 2। ठीक है, 20 की पावर x = हम लिख सकते 20 की पावर 2 into 2 20 की पावर 2l, ऑब्वियसली सर लिख सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो x की जगह क्या हो गया? x की जगह आ गया अपना 2l। खुद ही कैलकुलेट कर लो ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लग रही ना, अब तो बड़े हो गए तुम लोग, सर कौन बड़ा हुआ। ठीक है, अब ये अपने 8 क्वेश्चन कर लिए, 8 क्वेश्चन में इसका आंसर और लिख दे, तो वरना तुम लोग यार कमेंट सेक्शन में कहोगे सर अपमान कर दिया आपने हमारा। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2l। ठीक है, तो ये अपने 8 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे तो नहीं मतलब बेसिक ही क्वेश्चन थे, इससे आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, कोई भी बुक उठा के या कोई भी या हमारी भी DPP शायद मैं डलवा दूंगा अगर अवेलेबल हो पाएगी,
अगर और कोई भी DPP उठा के, कोई भी कोई क्वेश्चन उठा के आप बेसिक सा इससे करने की कोशिश करना। क्या करना है आपको, बेस की पावर देखनी है, बेस की पावर और नंबर के इक्वल करनी है, और जो आपकी पावर होगी वही आपका आंसर होगा। ओके गाइस, लास्ट में आपका एक ही काम रह जाता है कि हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, एक लाइक, जो कि आपको लाइक वाले सिंबल पे मारनी होती है, ऐसा कोई अंगूठा छपा होता है शायद, मुझे याद नहीं, ऐसा कुछ छपा होता है, ठीक है ना, और कमेंट सॉरी शेयर करना होगा आपको वीडियो को, शेयर का सिंबल भी ऐसे ही कुछ छपा होता है, ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही हो, सब्सक्राइब में एक लाल कलर की बटन होती है, कुछ लाल कलर कहाँ गया, ऐसी कुछ बटन होती है, तो इसको दबा देना, है ना, ये बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है, रियली हमें मोटिवेट करता है, ऐसा मन करता है अब ये लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, आपके कामों को, तो और ऐसा काम करो जो इन लोग की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को फील होता है कि सर ये क्वेश्चन हमें लिए हमारे लिए इस वीडियो में काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, तो उस वीडियो के टाइम को, मतलब इतने टाइम पर जो क्वेश्चन है ना वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा ये रूल हर वीडियो में रहेगा हमारे लिए। ओके सो डोंट वरी अबाउट इट, और इसके बाद अगर आपके पास कमेंट सेक्शन में कुछ लिखने के लिए है भी नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फायर का सिंबल लगा देना, ऐसा कुछ फायर भी होता है, कुछ इमोजी होता है, मतलब फायर का सिंबल बीच में येलो कलर में डाल देता हूँ, ठीक है, और सिलेबस काफ़ी आसानी से कंप्लीट होगा अगर आप लोग साथ देते हैं, बस आपको ये पांच चीज़ें करनी होगी, पांच नहीं है चार ही हैं, ठीक है, तो पांच चीज़ें करनी होगी जिससे आपको ये लाइक कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ये इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ओके भाई, वी बाय ऑल, वी हैप्पी, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मिलते हैं।